हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट एजुकेशन और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी। सो अब देखिए एजुकेशन का क्या मीन्स है। एजुकेशन का मीन्स है कि एजुकेशन एक तरह से प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंसान या किसी भी बच्चे के अंदर डिज़ायर्ड बिहेवियर को चेंज लाने के लिए हम लोग उसे कुछ नई बातें सिखाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एजुकेशन सिर्फ वही नॉलेज नहीं है जो स्कूल में दी जाती है। एजुकेशन एक तरह से प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलती रहती है, मतलब कि बर्थ के टाइम से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहता है, और कुछ भी सीख रहा है तो एक तरह से वो उसकी एजुकेशन ही हुई। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी एक तरह से जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, देखते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का, साइंटिफिक लॉज का, जो भी रिसेंट डिस्कवरीज हैं उनका एप्लीकेशन हम कर देते हैं। एप्लीकेशन करके जैसे कि अब साइंटिफिक लॉज वगैरह जो भी हैं उसको, उसके लिए गैजेट्स बना देते हैं, तो वही एक तरह से टेक्नोलॉजी। जैसे आप अभी फ़ोन पर पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। अब देखिए मेनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन की फील्ड में करना, यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ओके, सो और इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए एजुकेशन क्या हुआ, ये मैंने बता दिया, जो भी एक प्रोसेस है जिसमें सीखना सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना, फर्स्ट टेक्निक और दूसरा लॉजिया। टेक्निक का मीन्स होता है आर्ट या स्किल, लॉजिया का मीन्स होता है साइंस या स्टडी। तो क्या हुआ, जो आर्ट या स्किल की जो साइंस है या जो स्टडी है वही हो गई टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये टेक्नोलॉजी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग देखिए क्या होती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से ब्रांच ऑफ स्टडी है, मतलब एक तरह से हम स्टडी करते हैं कि जिसमें कि टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, साइंस और ह्यूमन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, उसकी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या, एजुकेशन की जो प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस में हमें एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। एफिशिएंसी प्रमोट करने का मतलब ऐसे समझिए इजीली वे में कि एजुकेशन जो प्रोसेस है, मान लीजिए आपको किसी बच्चे को कुछ सिखाना है, अब उसको आप वर्बली बता रहे हैं, मुँह से बोल के बता रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, तो आपको जैसे मान लीजिए उसको बताना है कि पृथ्वी जो है इसका आकार गोल है। ओके, जो अर्थ का जो शेप है वो गोल है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ग्लोब लाएंगे, उसको दिखाएंगे, अब उस ग्लोब को देख के बताएंगे कि ये जो गोल गोल दिख रहा है हमारी पृथ्वी ऐसी ही है। तो बच्चा क्या है, जो आप समझाना चाह रहे हैं उसे कि पृथ्वी का आकार गोल है, वो उस ग्लोब को देख के ईजिली समझ जाएगा। ग्लोब क्या हुआ, ग्लोब एक तरह से टूल हुआ, टेक्नोलॉजी का ही एक डिवाइस हुआ, ठीक है, डिवाइस कह सकते हैं, या फिर उसका ही एक टूल हुआ जिसका यूज़ करके आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया एजुकेशन में बच्चे को समझाने के लिए, तो वो क्या हुआ, इफ़ेक्टिव तरीके से ईजिली उस चीज़ को समझ गया। अब देखिए इसका सिंपली क्या मीन हुआ, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। और क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के यूज़ को अगर हम एजुकेशन में करते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल और अट्रैक्टिव हो जाती है। सिंपल मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाती है, किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए इसकी, डेफिनेशन क्या हुआ, SS कुलकर्णी के अनुसार एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह से एप्लीकेशन है रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस और लॉज का, मतलब साइंस के जो लॉज हैं और डिस्कवरीज हैं उनका हमने एप्लीकेशन कर दिया एजुकेशन की प्रोसेस में, ठीक है, और उसका टेक्नोलॉजी जो है उसका भी यूज़ कर दिया हमने एजुकेशन के प्रोसेस में। सो ये डेफिनेशन हो गई, इसको डेफिनेशन को आप एज यूजुअल जैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं वैसे ही लर्न करेंगे। अब देखिए GOM लीड के अनुसार क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से जो भी हमारे पास टीचिंग लर्निंग का साइंटिफिक नॉलेज है उसका एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है, और ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब टीचिंग एंड ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी टीचिंग लर्निंग की कंडीशंस हैं या जो भी उनकी एक तरह से कह सकते हैं हमारे पास नॉलेज है उसका साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके,
नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की प्रकृति। ओके, सो फर्स्ट द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज साइंस। अब देखिए टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, सिंपल सी बात है, साइंस से रिलेटेड है, तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका भी जो बेस होगा वो क्या होगा, साइंस। सेकेंड देखिए, इट लेस स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो एक तरह से स्ट्रेस डालती है जिससे कि जो मेथड्स और टेक्निक्स पे, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग की मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेस डालती है। थर्ड देखिए, इट इम्फेसिस द डिज़ाइन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेस्टिंग लर्निंग आउटकम्स। अब आपने किसी बच्चे को कुछ सिखाया, उसको अब हमें टेस्ट करना कि क्या सीखा है, कैसे सीखा है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डिज़ाइन के लिए भी इम्फेसाइज करती है। फोर्थ, इट इन्वॉल्व्स इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। इसको समझिए, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, अब देखिए जैसे कोई बच्चा है वो स्कूल में गया, ये बिल्डिंग है, एक स्कूल की जो भी बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर डेस्क हैं, वहाँ पर टीचर्स हैं, अब ये सब बच्चे को सिखाने के लिए एज अ इनपुट काम कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे की लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें डेस्क है, स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब एज अ इनपुट काम करेंगे। टीचर जो पढ़ाएगा ना तो वो भी एक तरह से इनपुट देगा। अब इनपुट जो पढ़ाएगा टीचर, टीचिंग की प्रोसेस होगी, उसको कहेंगे प्रोसेस, ये सब प्रोसेस में आएगा। उस प्रोसेस में एग्जामिनेशन जब कंडक्ट कराया जाएगा वो भी एक तरह से प्रोसेस में ही आएगा। एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसको हम ले सकते हैं आउटपुट। मतलब कि क्या, अब किसी बच्चे में इनपुट दिया, फिर जिस प्रोसेस से वो इनपुट दे रहा है वो प्रोसेस, और फिर जो आउटपुट आ रहा है मतलब बच्चे के बिहेवियर में डिज़ाइन जो भी चेंज हो रहा है, डिज़ायरेबल चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, आउटपुट। जैसे किसी बच्चे को हमने म्यूज़िक सिखाया, तो अब म्यूज़िक क्या है, बच्चा सीख गया है, जब जिस प्रोसेस से सिखाया वो हुई प्रोसेस, और जब वो बच्चा सीख गया उसको भी आ गया गाना बजाना जो भी, तो वो एक तरह से आउटपुट है, हमने जो प्रोसेस की उसका आउटपुट मिल गया। और जिस तरह से वो प्रोसेस की, जो प्रोसेस करना चाहने मतलब जो प्रोसेस करना चाह रहे थे हम, उसके लिए जो हम लोगों ने एफर्ट्स दिए वो इनपुट हुए। ओके, सेकंड देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक वास्ट है अपने आप में, एंड नॉट टू बी व्यूड इन द टर्म्स ऑफ इट्स पार्ट्स एंड प्रोसेसेस। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या टीचिंग टेक्नोलॉजी ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जैसे प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। ओके, सिक्स देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्टीन्यूअस डायनेमिक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है कॉन्टीन्यूअस डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड चॉक हम लिख रहे हैं, फिर उसको रब कर रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो वो ब्लैक बोर्ड था, वो भी था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट ही। लेकिन अब क्या हुआ, अब आ गए स्मार्ट बोर्ड्स, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड्स में क्या है, अब हमें डायग्राम बनाने के लिए खुद नहीं बनाना पड़ रहा है, उसमें इमेज इंसर्ट कर दी, वीडियो प्ले कर दिया, तो ये क्या हुआ, अब ये टेक्नोलॉजी का ही तो डायनेमिक प्रोसेस है ना, कि मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज हो गई और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है उसको ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनालाइज करती है, या जो जैसे टीचिंग के टाइम पे फेजेस ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सब जो पार्ट हैं ये आते हैं किसमें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या इसके स्कोप में। सेकंड, स्पेलिंग आउट द एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। किसी क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो पहले प्लान करता है ना कि हमें क्या पढ़ाना है, गोल्स को डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव्स के किस उद्देश्य से पढ़ाना है। तो क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेल आउट करता है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम कंटेंट जो भी कुछ है वो भी, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही आता है। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे अभी ग्लोब का एग्जाम्पल लिया था, तो जो इसका ग्लोब है ये क्या, अब इसका डेवलपमेंट विकास जो कहते हैं कि मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल ग्लोब है, या चार्ट ले लीजिए, जैसे कि हमने किसी बच्चे को कुछ समझाना है तो उसके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है,
तो ये सब क्या, ये सब पार्ट किसके हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ही हम ये सब चीज़ें सीखते हैं कि कैसे चार्ट प्रिपेयर करना है या किस बच्चे को ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब चीज़ें आती हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। फिफ्थ, टीचिंग प्रिपरेशन और टीचिंग ट्रेनिंग। टीचिंग ट्रेनिंग जैसे अभी हमने देखा था माइक्रो टीचिंग एक पार्ट होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो टीचिंग प्रिपरेशन जब टीचिंग ट्रेनिंग आप करते हैं तो उसमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग अब जैसे पहले पता है कि वो किसके क्षेत्र में आता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। ओके, माइक्रो टीचिंग का मतलब है सूक्ष्म शिक्षण, मतलब माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर शिक्षण करना। वैसे एज यूजुअल जो नॉर्मल टीचिंग करते हैं बहुत बड़े क्लास में करते हैं, लेकिन उसी को एक तरह से डेमो कह सकते हैं। उस टीचिंग का जो डेमो होता है वो होता है माइक्रो टीचिंग, एक छोटे स्तर पर पढ़ाना, ठीक है। सिक्स, देखिए डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हमें कौन सी स्ट्रेटजीज पढ़ानी लगानी है टीचिंग के टाइम पे। जैसे देखिए अब कोई फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं तो उनके क्या, उनके लिए क्या अब हम बहुत ऐसी स्ट्रेटजी लगाएंगे जिससे बच्चा बोर ना हो और कॉन्सेंट्रेट होकर हमारी बात सुने। तो उसमें क्या होगा कि हम कहानी सुना सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में, प्ले वे मेथड यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको खिला खेल मतलब खेल खेल में पढ़ाना है। अब यही चीज़ नाइन्थ टू ट्वेल्थ ले लीजिए या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को क्या, उनको हम लोग नॉर्मल लेक्चर मेथड से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया ना कि सिलेक्शन और डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही फील्ड में आता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उसका डेवलपमेंट, सिलेक्शन और यूज़ जो है ये हमें कब करना है, सिलेक्शन मतलब एक्यूरेट टाइम कब हमें यूज़ करना है, और डेवलपमेंट ऑडियो विजुअल एड्स कैसे बनाए गए, क्या हुआ, ये सब जो प्रोसेस है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र में आती है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया। मास मीडिया और हार्डवेयर का इफ़ेक्टिव जो यूज़ है वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र में आता है। जैसे कि मास मीडिया ले सकते हैं, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे दूरदर्शन चैनल पे दिखाया जा रहा है कि कुछ भी प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में दिखाया जा रहा है, ये सब क्या है, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही फील्ड में आ रहा है। क्योंकि टेलीविज़न एक टेक्नोलॉजी है, उसको एक ब्रॉडकास्टिंग लेवल पे उसको ब्रॉडकास्ट करना है जो भी प्रोग्राम है, तो क्या हुआ वो एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और हो रहा है एजुकेशन के फील्ड में, तो ये हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही फील्ड में। हार्डवेयर जैसे ले सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक, ये सब एक तरह से हार्डवेयर में लिए जा सकते हैं और ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही अंदर आते हैं। नाइन्थ, देखिए टू प्रोवाइड एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवैल्यूएशन। अब एसेंशियल फीडबैक जहाँ पे ज़रूरत है और इवैल्यूएशन कहाँ पे ज़रूरत है, इन सबको भी प्रोवाइड करना भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही फील्ड में आता है। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, इसके यूज़ से क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, इट मेक्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। ये प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाता है। आपको अभी मैं अगर लिखी हुई एक कॉपी पे पेन पेपर लेके हाथ से कैमरा दिखा के पढ़ा रही होती तो शायद ये जो स्क्रीन है ये भी थोड़ी सी डगमगा रही होती, हिल रही होती, लेकिन स्लाइड्स के फॉर्मेशन से क्या हुआ आपको इफेक्टिव कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है, सब स्टेबल है, आपको एकदम बेस्ट प्रेजेंटेशन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना रहा है, लेकिन ये जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके की हैं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही वजह से ये मेरा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बना है। सो इट मेक्स प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। सेकंड, देखिए इट प्रोवाइड सिंपल इजी इंटरेस्टिंग टीचिंग। मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो सिंपल इजी और इंटरेस्टिंग टीचिंग को प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आप देख लीजिए किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको चार्ट दिखा दिया या फिर मैप दिखा दिया कुछ भी समझाने के लिए, तो क्या हुआ जो बच्चा है वो ईजिली समझ पाएगा। जैसे चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं, किसी बच्चे को स्टेट्स नहीं पता है कि इंडिया में कहाँ पे कौन सा स्टेट है, वर्बली बताएंगे नहीं समझ में आएगा, उसको मैप दिखाया, मैप में बता दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर है, या फिर जैसे भी लोकेशंस उसको बताएं, तो वो ईजिली समझ जाएगा कि हाँ मतलब इतने इतने इस डायरेक्शन में ये स्टेट है। ओके, सो ये जो टीचिंग है इसको इसने क्या बना दिया, सिंपल बना दिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने। थर्ड,
इट रिमूव्स मोनोटोनस इन्वायरमेंट. मोनोटोनस मतलब बोरिंग इन्वायरमेंट. अब लेक्चर मेथड से कोई टीचर पढ़ाया जा रहा तो क्या हुआ, बच्चों को नींद आने लगी, बोर फील हो रहा है. लेकिन वही अगर टीचर टूल्स का यूज़ करता है, गैजेट्स का यूज़ करके पढ़ाता है, तो बच्चे जो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड टीचर की बात सुनेंगे और मोनोटोनस इन्वायरमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा. फोर्थ, इट मेक्स टीचिंग प्रोसेस मोर लाइवली. मतलब जो टीचर है अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा लाइवली बनती है. फिफ्थ, इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो स्टूडेंट्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है. ओके. सिक्स्थ है, सिस्टमैटिक नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से हम सिस्टमैटिक नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस को पॉसिबल कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी टीचर को कोई चैप्टर पढ़ाना है तो एक सीरीज़ में चलेगा, पहले इंट्रो देगा, फिर कंटेंट पढ़ाएगा, फिर क्वेश्चंस करेगा. तो ये सब क्या है, एक तरह से एक सिस्टमैटिक वे में जा रहा है. और इन सब की प्लानिंग जो है, प्लानिंग टीचर पहले से ही करके आएगा. प्लानिंग किस में आती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, कि हमें कैसे पढ़ाना है, कहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें. तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड होता है स्टूडेंट्स को. सेवन्थ, इट इज़ हेल्पफुल टू मेक नॉलेज परमानेंट. अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए. अगर आप कोई बात सिर्फ सुनते हैं वर्बली, तो उसको थोड़ी देर तक याद कर पाते हैं, रख पाते हैं अपने माइंड में. लेकिन अगर उसको विजुअली देखते हैं कोई चीज़, तो उसको ज़्यादा देर तक दिमाग में स्टेबल रख पाते हैं. तो अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, ऑडियो विजुअल एड्स का, या फिर ऐसे टूल्स का यूज़ करेंगे जो बच्चे को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाने में यूज़फुल होगा, तो उससे क्या होगा, जो नॉलेज है वो परमानेंट होगा, दिमाग में सेव रहेगा. ओके. सो नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है उसमें हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.